और भाई क्या हाल चाल। आज मैं आप सबसे जिस टॉपिक बारे में बात करने जा रहा हूँ बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है, क्योंकि आईडी ऑफलाइन इश्यूज बहुत टाइम से चल रहे हैं। तो आज मैं आईडी ऑफलाइन इश्यू के बारे में बात करूँगा। उसको आप इसके दो तरीके हैं भाई, बहुत ध्यान से देखना। ये कोई भी वीडियो स्किप मत करना। गेम प्ले वीडियो आप स्किप कर लेते हो कोई इशू नहीं है, पर इसको स्किप मत करना, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आप मिस कर गए तो भाई आपकी आईडी रिकवर नहीं होगी। आपकी आईडी आप कैसे रिकवर कर सकते हो आईडी ऑफलाइन इशू से, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके दो वेज हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपनी आईडी को रिकवर कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला जो तरीका है वो है ये है कि अगर आपके पास फेसबुक की आईडी है, फेसबुक या जीमेल से आईडी है, अगर आप फेसबुक से करते हो तो उसको आपने सबसे पहले जीमेल से ट्राई करके देखना है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके फेसबुक में कौन सी जीमेल है? वैसे तो आपको पता ही होगा, नहीं तो आप इसमें सेटिंग में जाकर आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है प्रोफाइल में, आप वहाँ से देख सकते हो आपकी कौन सी जीमेल लॉगिन है। अगर आपकी जीमेल से आईडी प्रॉब्लम आ रही है ऑफलाइन की, तो आप सेम आईडी सेम जीमेल पे आप फेसबुक अकाउंट बना के भाई उस पर लॉगिन करो, आपकी 100% आईडी ऑनलाइन शो होने लग जाएगी। बस आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपको दोबारा ऐड करने पड़ेंगे, लाइक जैसे आपने कोई गेम प्ले में फ्रेंड्स ऐड किए हैं कोड के थ्रू, वो आपको दोबारा ऐड करने होंगे। ये देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाकर आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में देख लेना है कि आपके पास कौन सी आईडी चल रही है। अगर आपके पास यहाँ पर दो या तीन आईडीज हैं, तो आपने सबसे पहले गूगल क्रोम में जाकर उसको प्राइमरी बना लेना है जिसको आप ऑनलाइन शो कराना चाहते हो। तो अभी मैंने दो अभी ऐड किए, इसको कन्फर्म करना बाकी है। तो अगर आपके पास प्राइमरी जीमेल बनाने की कोई उसमें ऑप्शन नहीं आ रही है, तो आपको गूगल क्रोम में जाकर उसे डेस्कटॉप वेबसाइट बनाकर आपको इसे करना होगा। ये देखिए गूगल क्रोम में जाकर आपने इसे डेस्कटॉप कर देना है। फिर आपके पास पूरी फुल वेबसाइट जो फेसबुक की होती है, क्योंकि ऐप में पूरी ऑप्शन नहीं खोल पाते, तो आपने गूगल क्रोम में जाकर इसे यहाँ पर मेक प्राइमरी जीमेल का ऑप्शन आएगा जैसे ही मैं इसे कन्फर्म करूँगा। तो पहला तो तरीका ये है भाई कि अगर आपके पास फेसबुक से आईडी है, जीमेल उसमें ऐड है, अगर नहीं है तो उसमें कर लो भाई। अगर आपके पास फेसबुक की आईडी है तो उसे जीमेल से लॉगिन करो, सेम आईडी को सेम प्लेयर आएंगे भाई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास दूसरी फेसबुक की आईडी है तो उसे जीमेल से कर लो, जीमेल वाली को फेसबुक पे बना लो। तो इस तरह आईडी स्विच से आप अपनी आईडी को रिकवर कर सकते हो, मतलब कि ऑनलाइन शो करा सकते हो। दूसरा जो तरीका है भाई वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दूसरे तरीके में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपको भाई ध्यान रखना है कि अगर आपकी दोनों आईडीज ऑफलाइन चली गई हैं, मतलब कि सेम आपने जीमेल पे भी बना ली, सेम आपने फेसबुक पे भी बना ली, तो आपकी अगर दोनों आईडीज ऑफलाइन चली गई हैं तो आपने क्या करना है भाई, एक नई जीमेल बना लेनी है। जी हाँ, ध्यान रखना, आपने एक नई जीमेल बना लेनी है। नई जीमेल आईडी बनाने के बाद उसे अपनी सेम फेसबुक में ऐड करना है। दो जीमेल ऐड हो सकती है ना, तो उसे आपने जीमेल में ऐड करना है। उस नई जीमेल को आपने, आप दोबारा सुन लो, उस नई जीमेल को आपने उसमें फेसबुक में ऐड कर लेना है। दो जीमेल हो गई, फिर उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, वही जो मैंने आपको पहले बताया था, गूगल क्रोम में जाकर आपने उसे प्राइमरी बना देना है। जो नई वाली जीमेल है उसको प्राइमरी बना देना है, और जो आपकी पुरानी जीमेल थी जिस पे आपकी गेम आईडी बनी हुई है, आपने उस पुरानी जीमेल को रिमूव ही कर देना है। उस फेसबुक से आपने रिमूव कर दी, तो अब आपने क्या करना है भाई, वो जो सेम जीमेल है ना आपकी पुरानी जीमेल जिस पे आप गेम खेलते थे, पुरानी जीमेल से आपने लॉगिन कर लेना है फेसबुक पे। ऊपर लॉगिन नहीं की, अगर आपकी उस पे बनी नहीं होगी फेसबुक आईडी, वो आपकी फ्री हो गई ना आपकी पुराने वाली, आपने उस पे एक नया फेसबुक अकाउंट बना लेना है। नया फेसबुक अकाउंट बनाने के एक घंटे बाद आप उसी फेसबुक अकाउंट से जो आपने नया बनाया है उससे आप गेम में लॉगिन करोगे, तो आपकी गेम 100% लॉगिन हो जाएगी। कोड नए होंगे पर आपकी सेम आईडी सेम प्लेयर के साथ रिकवर हो जाएगी। और अगर आपको इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरे को आप ज़रूर बताएं, आप मेरे को मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगा। तो किसी भी तरह की आपको हेल्प की ज़रूरत हो, इस बारे में आपको कुछ भी ना समझ आया हो, तो मुझे ज़रूर बताएँ, तो मैं आपकी मदद करूँगा इस बारे में। और अगर आपकी इससे थोड़ी भी हेल्प हुई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें हमारे साथ। कुछ स्पेशल आने वाला है चैनल के ऊपर, तो भाई बने रहें आप सब लोग। थैंक यू, शुक्रिया आपका।